music. हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, मैं हूं मनीष और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, जैसा कि अभी स्टार्टिंग में देखा, तो फ्रेंड्स इस तरह के स्टेटस वीडियो अगर आप भी चाहते कई इन्वेस्टर एप्लीकेशन की मदद से बना, फ्रेंड्स वो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, इस एडिटिंग के लिए जो भी मटेरियल्स का यूज हो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया, अदर उसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद चले फोन कैप्शन को ओपन करेंगे, काइन मास्टर एप्लीकेशन को एडिटिंग करेंगे स्टार्ट। तो दोस्तों, एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मैं जो भी नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आई फ्रेंड, चलते फोन कैप्शन पर ओपन करते काइन मास्टर एप्लीकेशन को एडिटिंग करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने कैन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। देन कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो क्रिएट न्यू का जो ऑप्शन आ रहा है स्पेसिफिकली आपको टैप कर देना है। टैप करने तो 16 वाला रेसो सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन आ रहा है स्पेसिफिकली आपको टैप कर देना है। देन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे डाउनलोड में आपको चले जाना है। और फ्रेंड्स, डाउनलोड में जाने के बाद जो स्काई वाला वीडियो मैंने आपको दिया, इस वीडियो को सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अभी आपको स्टार्टिंग में आना, लेयर्स पर क्लिक करना है, मीडियम जाना है। सो मीडियम जाने के बाद फिर से आपको डाउनलोड में चले जाना है। और फ्रेंड्स, डाउनलोड में जाने के बाद यहाँ पे जो वाल वाला पीएनजी मैंने आपको दिया उसे आपको सिंपली ले लेना है। ये वाला पीएनजी जो देख सकते हैं, इसे पूरी तरह से जूम कर लीजिएगा इस तरह से जितना पे भी आ जाएगा, और फिर से इसे एडजस्ट कर लीजिएगा इस तरह से, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देन इसके लेंथ को स्क्रॉल कीजिएगा और लास्ट तक कर दीजिएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो मैंने कर दिया, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करना, लेयर्स पर क्लिक कीजिए, मीडियम जाएगा। सो मीडियम जाने के बाद फिर से आपका डाउनलोड में जाना है। और फ्रेंड्स, ये वाला ट्री जो है इसे आप ले लीजिएगा, इसके लेंथ को स्क्रॉल करके लास्ट तक कर लीजिएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। देन इसे इस तरह से छोटा कीजिएगा और फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कीजिएगा कि सिर्फ ऊपर में जो ये दिख रहा है जड़ वाला, तो यही सिर्फ दिखे और इसका जो पेड़ का जो तना है ये ना दिखे। थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए, इसे सेंड टू बैक कर दीजिए, तो अंदर की तरफ चला जाएगा। अब इसमें एक इफेक्ट देना है, तो फ्रेंड्स डिलीट बटन के ऊपर जो की का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर थोड़ा आगे आकर यहाँ पर इतना पे आकर इतना पे परफेक्टली और प्लस कर लीजिएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा दूर पे जाकर। और प्लस करने के बाद इसे इस तरह से रोटेट कीजिएगा, जैसा कि बैक स्क्रीन पे देख सकते हो मैंने कर दिया। फिर उतना ही दूरी पे दूसरी साइड में जाइएगा, जैसा कि इतना दूरी पे आ गया मैं, और यहाँ पे प्लस कीजिएगा। प्लस करने के बाद फिर से इसे इस तरह से रोटेट कर दीजिएगा, सीधा कर दीजिएगा जैसे पहले था। फिर आगे आइएगा और फिर से इसे उतना पे ही कर लीजिएगा, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उतना ही दूरी पे आगे जाना है और यहाँ पे फिर से इसे ऊपर की तरफ कर देते हैं। देन फिर से थोड़ा आगे जाएंगे और फिर इसे मूव करेंगे और फिर यहाँ से थोड़ा जितना बचा हो उसके लास्ट में आएंगे, थोड़ा सा इसे हिला देंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे ये शेक करता हुआ आपको दिखेगा स्क्रीन के बैक में, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये कर रहा है। ठीक है, अब इसके स्टार्टिंग में आ जाइए, लेयर्स पर क्लिक कीजिए, मीडियम जाइएगा। सो मीडियम जाने के बाद फिर से आपका डाउनलोड पर चले जाना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वाला जो पीएनजी मैंने आपको दिया इसे ले लीजिएगा, इसे इस तरह से जूम कीजिएगा, यहाँ पे नीचे की तरफ एडजस्ट कर लीजिएगा, इतना पे सही रहेगा, इतना पे रख लेंगे। इसे थोड़ा और जूम करते हैं, जूम आउट, और यहाँ पे सेटअप कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से एडजस्ट हो गया। दैन इसके लेंथ को स्क्रॉल कीजिएगा और लास्ट तक कर लीजिएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी का एक तो आपको डुप्लीकेट कर लेना है, डुप्लीकेट करने के बाद उसे ऊपर की तरफ लेकर आ जाइएगा यहाँ पे। और फ्रेंड्स, यहाँ नीचे एक स्क्रॉल कीजिए, क्रॉपिंग में जाइएगा और ऊपर वाले को क्रॉप कर दीजिएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे राइट क्लिक कर लेना, राइट क्लिक कर इसे सेलेक्ट कीजिएगा, देख सकते हो कुछ इस तरह से। और फ्रेंड्स, इसे नीचे की तरफ इस तरह से एडजस्ट कर दीजिएगा यहाँ पे, जो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे एडजस्ट हो गया। ठीक है, अब इसके स्टार्टिंग में आइएगा, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करना, लेयर्स वाले ऑप्शन टैप कीजिए, मीडियम जाएगा। मीडियम जाने के बाद फिर से आपको डाउनलोड में चले जाना है। सो ये डाउनलोड में जाने के बाद यहाँ पे जो झरना वाला पीएनजी आपको ग्रीन स्क्रीन दिया गया था, तो उसे आप सेलेक्ट कीजिएगा। देन इसे इस तरह से जूम आउट कर दीजिएगा, नीचे स्क्रॉल कीजिए, क्रॉपिंग में क्रोमा की में जाइए। क्रोमा की में जाने के बाद इसे इनेबल कर लीजिएगा और थोड़ा सा इस वाले पाइरेट को आगे की तरफ बढ़ा लीजिए, जैसे मैंने 62 इसे कर दिया। अब यहाँ पर इसे आपको एडजस्ट कर लेना है, तो कुछ इस तरह से थोड़ा और जूम करेंगे इसे और यहाँ पर इस तरह से इसे एडजस्ट कर देंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, और थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, इसे सेंड बैकवर्ड करेंगे। ठीक है, बैकवर्ड थोड़ा सा अंदर चला जाएगा, ऊपर वाला जो पत्थर था इसके अंदर चला जाएगा। तभी जब प्ले कीजिएगा कुछ इस तरह से आएगा। तो इसका ग्रीन स्क्रीन का जो साउंड है उसे आपको म्यूट कर देना है, सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा और म्यूट कर दीजिएगा। अभी आप इसे प्ले करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे देखने में। अब इसके स्टार्टिंग में लेयर्स पर क्लिक कीजिए, मीडियम जाइएगा। सो मीडियम जाने के बाद यहाँ पे आपको
ये वाला पीएनजी जो है, सॉरी डाउनलोड जो है, इसमें जाइएगा। डाउनलोड में जाने के बाद जो पहाड़ वाला पीएनजी आपको दिया गया था, तो उसे आपको सिंपली ले लेना है, ठीक है। तो ये वाली पीएनजी को मैंने सेलेक्ट किया, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो इसे आप फ्लिप कर लीजिएगा, ट्रिमर के जस्ट इस साइड में जो फ्लिप वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए और इसे फ्लिप कर दीजिए कुछ इस तरह से। इसे यहाँ पर छोटा छोटा कीजिएगा और ये गेट जहाँ पर है यहाँ पर लेकर आइएगा, ये जो दरवाज़ा है, और थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए, इसे सेंड टू बैक कर दीजिएगा, बैकग्राउंड में चला जाएगा। इसके लेंथ को स्क्रॉल कीजिए और लास्ट तक कर लीजिएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, तो मैंने कर दिया। अब इसके बाद स्टार्टिंग में आइएगा, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, लेयर्स पर क्लिक कीजिए, मीडियम जाइएगा। उसके मीडियम जाने के बाद यहाँ पे अब आपको अपना मॉडल पीएनजी ले लेना है, जो भी लगाना चाहते हैं। तो मैंने फोटो रूम में कुछ रखा है, तो मैं यहीं से ले लेता हूँ, जैसे ये वाला को मैंने ले लिया, और फ्रेंड्स इसे यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, तो मैं इसे यहाँ पर रख रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जहाँ पर भी आपको सही लगे, थोड़ा इसे और छोटा करते हैं और यहाँ पर मैं रख लेता हूँ। तो लग रहा है जैसे यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। इसी को स्क्रॉल करके इसके लास्ट तक कर लेंगे, इसके लेंथ को पूरा लास्ट तक कर देंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, इसका एक तो डुप्लीकेट कर लीजिएगा, डुप्लीकेट वाले को सेलेक्ट कीजिएगा, ऊपर की तरफ से कराइएगा और फिर इसे जूम कीजिएगा इस तरह से, यहाँ पे पूरा स्क्रीन जो ऊपर है इस पे सेटअप कर देना है। थ्री डॉट पे क्लिक करना है और इसे सेंड टू बैक कर देना है, तो सबसे अंदर चला जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब नीचे स्क्रॉल कीजिए, अब लैंडिंग में जाइएगा, फिर से यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। यहाँ सॉफ्ट लाइट पर रख सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। आप अपने अकॉर्डिंग और भी यहाँ पे इफेक्ट है, जिसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी सिलेक्ट कर आपको सही लगे तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बट मेरे को यहाँ पे सॉफ्ट लाइट जो है वही सही लगा था, तो मैं इसे रहने देता हूँ। अगर आप ब्राइटनेस और कम करना चाहें तो ऊपर ऑपेसिटी की मदद से आप कर सकते हैं, बट ऐसे ही मैं रहने देता हूँ, राइट क्लिक करते हैं। इसका हो गया। अब इसके बाद स्टार्टिंग में लेयर्स पर क्लिक कीजिए, मीडियम जाइए, मीडियम जाने के बाद फिर से आपको डाउनलोड में जाना है, और फिर मोर पंख जो मैंने आपको दिया था उसे आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये वाला मोर पंख आप देख सकते हैं, मैंने इसे सेलेक्ट किया, दिन इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे और यहाँ पर इस तरह से इसे सेटअप कर दीजिएगा। करने के बाद इसके लेंथ को भी स्क्रॉल करना है और लास्ट तक कर देना है, यहाँ पे लास्ट तक, तो देख सकते हो मैंने कर दिया। अब इसके बाद स्टार्टिंग में आएगा, थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, इसे सेंड टू बैक कर दीजिए। सेंड टू बैक करने के बाद फिर से थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, इसे बैडिंग फॉरवर्ड कर दीजिएगा, तो जो पीएन फोटो यूज किया था आप अपना मॉडल फोटो उसके ऊपर आ जाएगा। अब राइट क्लिक कर लीजिएगा। अभी आपको यहाँ पे लिरिकल से सॉन्ग की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए लेयर्स पे क्लिक कीजिए, मीडियम जाइएगा। मीडियम जाने के बाद आपको सिंपली डाउनलोड में चले जाना है, और डाउनलोड में जाने के बाद आप जो भी लिरिकल्स रखे होंगे उसका यूज़ कर सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे जो रखा है मैं उसका यूज़ करके दिखाता हूँ, और मैंने इसका लिंक आपको दे दिया, तो आप चाहे तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब आगे की तरफ इस तरह से स्क्रॉल कर लीजिएगा, और जो लिरिकल्स दिख रहा है इसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, ब्लेंडिंग पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर स्क्रीन कर लीजिएगा। स्क्रीन करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। अब लिरिकल्स को आपको एडजस्ट करना है, तो जहाँ पर भी आप रखना चाहते हैं, जहाँ पर भी सही जगह आपको लगे वहाँ पर इसे रख लीजिएगा। तो मैं इसे यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब राइट क्लिक करते हैं, अब इस लिरिकल्स के बराबर में आ जाइएगा, और फिर सबसे ऊपर वाला जो बैकग्राउंड वाला वीडियो है उसको क्लिक कीजिएगा, ट्रिमर पर क्लिक कीजिए, इसे टर्न टू राइट ऑफ लाइट कर दीजिएगा। सारे चीज़ें जैसे वैसे ही रहेगी और आपका स्टेटस यहाँ पर कम्प्लीट हो जाएगा, सिर्फ बैकग्राउंड को आपको कट करना है, ठीक है। इसके बाद आप जो भी सॉन्ग अगर यूज करना चाहते हो तो सॉन्ग ऐड कीजिएगा, आगे तक होगा तो सिंपली इसे आप यहाँ से स्क्रॉल करके आगे तक कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा जितना पे उतना पे ही क्रॉप कर देता हूँ। अब राइट क्लिक कर लीजिएगा, राइट क्लिक करने में स्टार्ट में ये लेयर्स पर क्लिक कीजिए, मीडियम जाइएगा। मीडियम जाने के बाद फिर से आपको डाउनलोड में चले जाना है। डाउनलोड में जाने के बाद यहाँ पे फॉग वाला जो वीडियो आपको मैंने दिया था उस वीडियो को आपको सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो इस वाले वीडियो को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ट्रिमर के बारे में फुल स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए, इसे फुल स्क्रीन कर लीजिएगा। देन यहाँ से बैक आइएगा, बैक आने नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर टैप कीजिएगा, फ्रेंड्स इसे स्क्रीन कर दीजिए कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर राइट क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक करने के बाद फिर से लेयर्स पर क्लिक करें, यहाँ स्टिकर वाला जो ऑप्शन आ रहा है इस पर सिंपली आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद इस वाले ऑप्शन पर टैप कीजिएगा, यहाँ से आपको वाटरफॉल वाला जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे आपको वाटरफॉल काफ़ी सारे मिल जाते हैं, तो इसमें से जो भी आपको सही लगे ले लीजिएगा। वैसे ये वाला यहाँ पे एडजस्टेबल है, तो ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे फोर नंबर पे जो है सो, और इसे इस तरह से एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे इस तरह से हम इसे एडजस्ट कर देते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पर एडजस्ट हो गया। थोड़ा जूम और करते हैं और यहाँ पे तो देख सकते ये हो गया। अब इसके बाद इसका लेंथ को स्क्रॉल कीजिएगा और लास्ट कर लीजिएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे ये हो गया, लास्ट तक परफेक्टली से कर लेंगे। अब इसके बाद स्टार्टिंग में लेयर्स पर क्लिक कीजिए, लेयर्स पर क्लिक करने के बाद मीडिया पर क्लिक कीजिए, मीडिया पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है, और फ्रेंड्स यहाँ पे बॉर्डर वाला जो पीएनजी मैंने आपको दिया था उसे आपको सिंपली ले लेना है। तो ये वाला बॉर्डर वाला पीएनजी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। देन इसे ट्रिमर को बॉल में फुल स्क्रीन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन कर लेंगे, इसके लेंथ को स्क्रॉल करके लास्ट तक कर देंगे। तो नॉर्मल स्टेटस हमारा तैयार हो गया। अब इसमें 3D इफेक्ट देना है, ठीक है, तो ये तो हो गया। अब इसमें 3D इफेक्ट देना है, उसके लिए आपको क्या करना, सबसे पहले इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। तो ऊपर जो एरो देख सकते हैं इस पर क्लिक करना है, यहाँ सेव वाले बटन पर क्लिक करना है, ये वीडियो आपके फोन में सेव होगी। तो फ्रेंड्स जब तक ये वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगी तब तक हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी तरह की अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स वीडियो जब तक एक्सपोर्ट हो रहा है थोड़ा सा वीडियो को मैं पॉज करता हूँ।
सो गाइस वीडियो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुका है, आप सिंपली आपको यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे क्रिएट न्यू पे फिर से क्लिक कीजिए, 16 नौ वाला रेशियो सेलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए, कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ इमेज वाले ऑप्शन पर टैप कीजिए, ब्लैक वाला इमेज सेलेक्ट कर लीजिए, इसके लेंथ को स्क्रॉल करके आपको बड़ा कर लेना है, जितना टाइम का आप वीडियो बनाए थे उतना टाइम कर लीजिएगा। स्टार्टिंग में आइएगा, लेयर्स वाले ऑप्शन पर टैप कीजिए, मीडियम जाइएगा, मीडियम जाने के बाद आपको सिंपली एक्सपोर्ट में चले जाना है। एक्सपोर्ट में जाने के बाद वो वाली वीडियो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना जो वीडियो अभी आपने क्रिएट किया था। करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ डिलीट बटन के ऊपर जो की का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है, उससे पहले इसे जूम करके कहीं पर भी कर लीजिए, जहां पे आप फर्स्ट फोकस करना चाहते हैं वहां पे कर लीजिए। तो फर्स्ट फोकस में यहां पे कर रहा हूं, ठीक है, इतना पे आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला जो मॉडल है उस पर। अब डिलीट बटन के ऊपर जो की का ऑप्शन है इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आगे कर लीजिएगा जितना टाइम पे आप करना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे इतना पे रहने देता हूँ, ठीक है, 6 सेकेंड पे यहाँ पे मैं परफेक्टली 6 सेकंड पे कर देता हूँ, प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद अभी इसे आपको आगे की तरफ कर लेना है, जहाँ पे भी आप करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट जो है इस पर आपको फोकस करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले मेरा इमेज पे आएगा, इसके बाद इस वाले टेक्स्ट पर आएगा, ठीक है। इसके बाद फिर से उतना ही दूरी पर आगे कर लीजिएगा। अब इसके बाद आप जहाँ पर भी ले जाना चाहते हो वहाँ पर, तो प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने बाद इसे छोटा करते हैं। छोटा करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ये वाला जो है इस पर मैं ले चलता हूँ, ये वाला जो वाटरफॉल था इस पर, ठीक है। थोड़ा जूम करते हैं यहाँ पर और फिर इससे थोड़ा आगे जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पे प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद इसे पूरी तरह से यहाँ पे जूम आउट कर, मतलब अलग अलग फोकस आप कर सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैंने इसे अलग अलग कर दिया। अभी आप ऊपर भी फोकस कर सकते थे, नीचे भी कर सकते थे, इसे छोटा छोटा भी लगा सकते थे। इसे करने के बाद फिर से आगे तरफ यहाँ पर करना है और प्लस कर देना है यहाँ पर। प्लस करने के बाद यहाँ से फिर से हम थोड़ा सा आगे करेंगे, यहाँ पर इस तरह से इस वाले कॉर्नर पर हम फोकस करते हैं, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद लास्ट आ रहा है, तो लास्ट में आने के बाद प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद इसे परफेक्टली हम सेटअप कर लेंगे, पूरे स्क्रीन फुल स्क्रीन जो था उसे यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ पे इसे बीच में रखते हैं इस तरह से यहाँ पे, और स्क्रॉल करके पूरे स्क्रीन पे इस तरह से कर देते हैं। तो सेटअप चारों तरफ से बराबर है, ऊपर वाले को सेलेक्ट कीजिए, जो एक्स्ट्रा हो उसे कट कर दीजिएगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी आप इसे प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 3D की तरफ मूव कर रहा है, जैसे कि हम टेलीग्राम से बनाते हैं या नोट वीडियो एप्लीकेशन से बनाते हैं, सॉरी टेलीग्राम बोल रहा हूँ, एलाइट मोशन से या नोट वीडियो एप्लीकेशन की मदद से। तो उस तरह से यहाँ पे इफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो फिर इस तरह से आप वीडियो बना सकते हैं। इसके बाद आपको इसे सिंपली एक्सपोर्ट करना है, तो ऊपर एरो देख सकते हैं, इस पर क्लिक कर दीजिए, क्लिक करना सेव पे क्लिक कर दीजिए, ये वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसे लेके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी तरह की एडिटिंग टूटोरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की एडिटिंग के लिए अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।